कि आप देख सकते हो कि अभी हम लोग फेडरल बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं, और यहाँ पे आप जो है लोन्स के सेक्शन पर हो, जहाँ पे इस फेडरल बैंक के जितने भी लोन्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे सीरियल वाइज। जैसे कि यहाँ पे गोल्ड लोन है, पर्सनल लोन है, कार लोन है, हाउसिंग लोन्स है, और हमें जिस टॉपिक पे ये वीडियो हम जो बना रहे हैं वो है एजुकेशन लोन से रिलेटेड, जो कि आ रहा है आपके सामने एजुकेशन एंड करियर लोन्स के रिलेटेड। तो हम इस लोन को अप्लाई करेंगे। अब जब आप एक्सप्लोर मोर के ऑप्शन में क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको जो है काफ़ी सारे लोन्स के ऑफर भी मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं डायरेक्टली ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए, क्योंकि जो एजुकेशन लोन है अगर वो आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हो तो उसका सेगमेंट क्या है, तो यहाँ पे जैसे आप एजुकेशन एंड करियर लोन्स के अंदर आओगे तो यहाँ पे आपको जो है ऊपर के तो तीन मेन दिखेंगे ही, साथ ही में नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो आपको मिलता है विद्यालक्ष्मी पोर्टल का ऑप्शन। अब इसके माध्यम से आप लोग ऑनलाइन लोन अप्लाई कर सकते हो, इसके बारे में मैंने काफ़ी बार बात की ही हुई है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि क्लिक हेयर टू नो मोर का ऑप्शन है, और जैसे आप लोग इस पर टैप करोगे सीधा आप लोग पहुंच जाओगे विद्यालक्ष्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि आप लोग देख सकते हो। तो अब सवाल आता है कि कैसे आप लोग जो है फेडरल बैंक की मदद से जो है और विद्यालक्ष्मी के डिजिटल प्लेटफॉर्म की मदद से अप्लाई कर सकते हो आप लोग एजुकेशन लोन फ्रॉम द फेडरल बैंक। तो वीडियो को एंड तक वॉच करते रहे, एंड वेलकम गाइज, वेलकम टू लोन पाव यूट्यूब चैनल। इस वीडियो को एंड तक वॉच करोगे तो आपको पूरा प्रोसेस समझ में आएगा कि कैसे एजुकेशन लोन को अप्लाई करना है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। यहाँ पे जो स्टूडेंट होता है वो एप्लीकेंट होता है, जैसे कि जो भी बंदा यूजी कोर्सेज के लिए, पीजी कोर्सेज के लिए, टेक्निकल कोर्सेज के लिए, प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए लोन अप्लाई करता है, और इन द केस अगर वो अब्रॉड पढ़ता है तो ऐसे केस में जो एप्लीकेंट है वो तो स्टूडेंट ही रहता है, लेकिन जो लोन मिलता है वो स्टूडेंट के बेसिस के साथ साथ यहाँ पे जो उसके को एप्लीकेंट रहते हैं उसके भी बिहाफ पे और उसके ही बेसिस पे भी मिलता है। जैसे कि को एप्लीकेंट में आपके गारंटर बनते हैं या पेरेंट्स या मदर या फादर में से कोई एक, या फिर जो भी गारंटर बनता है उसके बिहाफ पे ही, और उसके जो है एलिजिबिलिटी, उसके जो है ऑक्यूपेशन को देख के जो है आपको सिंपली लोन इशू किया जाता है। तो अब बात आती है कि आप इस ऑनलाइन तरीके से एजुकेशन लोन को कैसे अप्लाई करोगे फ्रॉम द फेडरल बैंक, और वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करोगे तभी आपको ये प्रोसेस समझ में आने वाला है, क्योंकि वीडियो के अंदर भी आपको स्टेप्स बताए गए हैं। तो वीडियो को एंड तक वॉच करते रहे, एंड वीडियो को पसंद आए तो डेफिनेटली लाइक भी करना, शेयर भी करना, चैनल सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में भी आना। यहाँ पे आपको लिखना है सबसे पहले पूरा नाम, किस जगह से वीडियोस वॉच कर रहे हो, और फेडरल बैंक में क्या आपका अकाउंट है जो आप एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं, कमेंट्स में हमें लिख के जरूर बताएं। अब वीडियो में बात करते हैं स्टेप्स की, जो कि काफ़ी ईजी है। ये वीडियो है, वीडियो के नीचे टाइटल, टाइटल जैसे करो क्लिक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिलती है आपको वेबसाइट लिंक, जिस पर सिंपली आपको करना है क्लिक। आप लोग वेबसाइट लिंक पे क्लिक करते हो, लोन पाव डॉट इन की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोग पहुंच जाओगे। इस वेबसाइट पे पहुंचने के साथ ही आप सबसे पहले बात आती है कि आप लोगों को यहाँ पे जो है एजुकेशन लोन के मेन कंटेंट तक पहुंचना पड़ेगा, स्पेशली फेडरल बैंक के केस में। तो आपको करना क्या है, मेन्यू बार के ऑप्शन में क्लिक करना है, इसके अंदर आपको कैटेगरी मिलती है, और जाहिर सी बात है हम एजुकेशन लोन लेना चाहते हो तो एजुकेशन लोन के ऑप्शन में क्लिक कर सकते हो, या तो बैंक लोन के ऑप्शन में क्लिक कर सकते हो। जस्ट बिकॉज आपको जो है बैंक ही एक तरीके से लोन प्रोवाइड करवाती है तो बैंक लोन में भी क्लिक कर सकते हो, या फिर मैंने ऑलरेडी बता दिया एजुकेशन लोन भी क्लिक कर सकते हो। लेकिन हम लोगों को यहाँ पे जो है एक कैटेगरी को पर्टिकुलरली चूज करने के बावजूद भी हमें उस कंटेंट के लिए पर्टिकुलरली सर्च करना पड़ेगा। इसका रीज़न ये है कि आपको पता है इंडिया में बहुत सारे बैंक्स हैं और सबके अपने अपने सर्विसेज हैं, जिसके अंदर लोन सर्विसेज में वो एजुकेशन लोन भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो ऐसे केस में आपको करना क्या है, मेन्यू बार का ऑप्शन, इस पर आपको सिंपली टैप करके सर्च के ऑप्शन में जाना है। यहाँ पर आपको टाइप करना है फेडरल बैंक, और आगे आपको टाइप कर देना है एजुकेशन, इतना कीवर्ड डाल के नॉर्मली आपको करना है सर्च। सर्च करने के बाद आपको जस्ट करना है वेट, और आपके सामने जो है रिजल्ट्स आ जाएगा, जो कि आप देख सकते हो कि फेडरल बैंक से एजुकेशन लोन कैसे ले, कैसे अप्लाई करें। नॉर्मली आपके सामने आर्टिकल है, आर्टिकल पर टैप करना है और आपके सामने आपका आर्टिकल डिटेल में एक्सपांड हो जाएगा। आर्टिकल के खुल जाने के बाद जो भी हमने वहाँ पे जो इंट्रो में देखा था ना वेबसाइट के अंदर, जो वहाँ पे आपको विद्या स्पेशल सर्विस जो एजुकेशन लोन है वो देखने को मिल रहा है, इसके अलावा फेड के फेड से रिलेटेड भी है, तो एजुकेशन लोन की कैटेगरीज यहाँ पर डिस्क्राइब कर दी जाएगी, साथ ही में लोन आपको कैसे अप्लाई करने का प्रोसेस है वो भी समझाया गया है। लेकिन क्योंकि हम इसको ऑनलाइन कर रहे हैं तो विद्यालक्ष्मी के बारे में भी इसमें जिक्र है, तो आप इस कॉन्टेंट को जरूर पढ़ें, और लैंग्वेज बैरियर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप इंग्लिश के अलावा आप हिंदी सहित और भी लैंग्वेजेस में पढ़ सकते हो। अब जिन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ ली है, जिनको सारी इन्फॉर्मेशन पता भी है और उनको सिर्फ लोन अप्लाई करने से मतलब है, तो अप्लाई नाउ के लिंक पे कर देना है क्लिक। आप लोग अप्लाई नाउ के लिंक पे क्लिक कर दोगे, जैसे कि मैंने इंट्रो में दिखाया भी था कि अगर आप लोन्स के सेक्शंस पर हो तो लोन्स के सेक्शन पर टैप करने के साथ ही आपको जो है एजुकेशन एंड करियर लोन्स के वाले ऑप्शन में जाना होगा, जो कि आपको मे बी फोर्थ या फिफ्थ या फिफ्थ सिक्स पे, मेरे हिसाब से फिफ्थ सिक्स पे देखने को मिल जाएगा। तो अभी हम जो है यहीं पर है, जो कि आप देख सकते हो। तो यहाँ पे नॉर्मली करना क्या है कि एजुकेशन एंड करियर लोन्स वाले ऑप्शन के एक्सप्लोर मोर के ऑप्शन में आपको नॉर्मली क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ही जैसे कि हम ऑलरेडी बता ही चुके हैं कि आपको करना क्या होगा, आपको नॉर्मली जाना है और यहाँ पे इसके पोर्टल पे हम क्लिक करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपको कुछ बेसिक जानकारी चाहिए कि यहाँ पे लोन अमाउंट आपको कितने सालों के लिए मिलेगा, तो वो है 15 साल तक का, ठीक है, मॉरेटोरियम पीरियड के साथ में 15 साल तक का रिपेमेंट पीरियड है। साथ ही में ये जो लोन मिलता है वो किस लिए मिलता है और कौन सा एक्सपेंस को कवर किया जाता है एजुकेशन लोन के अंडर में, तो देखो आपके कॉलेज की फीस, हॉस्टल की फीस, स्कूल की फीस, एग्जामिनेशन फीस, लाइब्रेरी लैब की फीस, कॉस्ट ऑफ बुक्स की फीस, ये सारे जो पैसे होते हैं वो आप एजुकेशन लोन के जो है अंडर में काउंट कर सकते हो और एक्सपेंस में यूज कर सकते हो। यहाँ पे जो फीचर की बात करते हैं विद्यालक्ष्मी पोर्टल का क्या फीचर है, तो देखो यहाँ पे जो है ज्यादा से ज्यादा बैंक जो है, मतलब जस्ट विद्यालक्ष्मी डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो आपको सब जो स्पेशली एजुकेशन लोन के केस में ही है, और एजुकेशन लोन अगर आपको चाहिए तो आप ऐसे केस में विद्यालक्ष्मी पे जा सकते हो, वहाँ पे बहुत सारे बैंक की स्कीम के अकॉर्डिंग बैंक को भी चूज कर सकते हो। बाकी बात करते हैं व्हाट इज द सिक्योरिटी रिक्वायर्ड फॉर एजुकेशन लोन, तो यहाँ पे जो है अगर आप 4 लाख रुपए तक का लोन लेते हो तो उस पर आपको कोई एजुकेशन लोन पे कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, इसके अलावा बाकी के केसेस में आप इसको ऊपर से जरूर पढ़ सकते हो।
बाकी जैसे कि मैंने आपको ये वीडियो के शुरुआत में बताया था कि कौन कौन से कोर्सेज के लिए जो है आप यहाँ से लोन अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बाकी और डीप में और ज़्यादा इसके बारे में रिसर्च के लिए आप पढ़ सकते हो कि कौन कौन से कोर्सेज जो है यहाँ पे आप जो है अप्लाई कर सकते हो। जहाँ तक बात करते हैं मैक्सिमम लोन अमाउंट की, तो एजुकेशन लोन के केस में मैक्सिमम 10 लाख रुपीज़ तक का लोन मिलता है स्टडीज़ इन इंडिया के लिए, और अगर आप अब्रॉड में पढ़ना चाहते हो तो एजुकेशन लोन मिलता है 20 लाख रुपीज़ तक का। लेकिन ये कन्फर्म अमाउंट भी नहीं होता, कभी कभी किसी किसी केसेज में कुछ बैंक्स होते हैं जो आपको मैक्सिमम अमाउंट भी प्रोवाइड करवा देते हैं। तो ये जस्ट एक एवरेज तौर पर आप समझ सकते हो कि हाँ इतना अमाउंट तो हमें मिल सकता है। अब बात करते हैं अप्लाई करेंगे कैसे, तो उसके लिए आपको जो है क्लिक हियर टू नो मोर के ऑप्शन में नॉर्मली क्लिक करना है, थोड़ा सा वेट करना है और विद्यालक्ष्मी का पोर्टल खुल जाएगा। अब मुझे पता है जितने भी लोग देख रहे हैं उसमें से ज्यादातर लोगों के इसमें अकाउंट होंगे भी और ज्यादातर लोगों के अकाउंट नहीं भी होंगे, तो जिनके लिए अकाउंट नहीं है पहले उनके केस में समझा देता हूँ। रजिस्टर का जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है इस पर क्लिक करना है आप लोगों ने। यहाँ पर जाने के बाद आपको नॉर्मली आपको अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ई मेल आई डी, पासवर्ड और पासवर्ड को क्रिएट करके कैप्चा कोड डाल के टिक मार्क एग्रीमेंट को अच्छे तरीके से कंप्लीट करके सबमिट के बटन पर टैप कर देना है। इसके बाद जो आपने ईमेल आईडी डाली होगी उस ईमेल आईडी पर आपको एक एक्टिवेशन लिंक मिलेगी, जब तक आप उस पर क्लिक नहीं करोगे आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट नहीं हो पाएगा। जब वो अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट तब होगा जब आप लिंक पर क्लिक कर दोगे, देन आपको लॉगिन के ऑप्शन पर टैप करना होगा। फिर देन आपको जाना है यहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन के ऑप्शन पर, इस पे जैसे क्लिक करेंगे देन यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है ईमेल आईडी का और पासवर्ड का। तो जो आपने ईमेल आईडी डाली थी वो और पासवर्ड जो अभी आपने क्रिएट किया, फिर देन कैप्चा कोड डाल के लॉगिन के बटन पे टैप कर देना है। अगर इन का केस अगर आप भूल गए हो पासवर्ड या फिर कोई भी रीज़न है तो फॉरगेट भी कर सकते हो। तो अब बात करते हैं कि जब आप लोग वहाँ पे अकाउंट लॉगिन कर लोगे तो आपको क्या करने की नीड पड़ेगी। लॉगिन करने के बाद जो है आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का एप्लीकेशन जो है मीन्स जो है वेब पेज खुल जाता है। इसके बाद यहाँ पे आपको तीन स्टेटस को अच्छे तरीके से कंप्लीट करना पड़ेगा। पहला लोन एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस होता है, उसके बाद एप्लीकेशन स्टेटस पे तो नॉर्मली दिखेगा ही, और सर्च एंड अप्लाई फॉर लोन स्कीम्स पे बस यहाँ पे आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। कैसे कंप्लीट करना है बारीकी से जानते हैं। लोन एप्लीकेशन फॉर्म पे पहले क्लिक करना है आप लोगों को। इसके बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को अपने साथ में रखना है। तो देखो यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो आपके बैंक के साथ रिलेशनशिप है, लाइक सेविंग्स अकाउंट का है, करंट अकाउंट का, वो आपको बताना होगा। उसके लिए भी आप जो है डॉक्यूमेंट्स तैयार करते लाइक पासबुक, पर्टिकुलर ऑफ कोर्स जिस कोर्स में आपको एडमिशन हुआ है, जिस कोर्स के लिए आप जो है लोन चाहते हो आपको डिटेल्स तैयार रखनी है, और टोटल जो है कॉस्ट कितना लग रहा है उस कोर्सेज का वो भी बताना है, डिटेल ऑफ सिक्योरिटी ऑफर्ड और साथ ही में आपको सोर्स ऑफ फाइनेंस बताना है, प्रोस्पेक्टिव अर्निंग कंपटीशन और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। हालांकि ये कंप्लीटेड फॉर्म इसको आप नहीं कह सकते हो, ठीक है, क्योंकि देखो देखो कि यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ चाहिए। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी पर्सनल इन्फॉर्मेशन में कि यहाँ पे फील्ड वाइज इंस्ट्रक्शन टू फिलअप कॉमन एजुकेशन फॉर्म ऑन विद्यालक्ष्मी पोर्टल। तो यहाँ पे जो है कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए मैंडेटरी है जो आपको भरना है, कौन कौन सी चीज़ें जो नहीं है वो मैंडेटरी नहीं भरना है, उसकी डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो इसको आप यहाँ से समझ सकते हो, ठीक है। अब शुरू करते हैं बात और कहते हैं कि कैसे लोन अप्लाई करना है। तो सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन पे जाओगे तो यहाँ पे आपसे कुछ कॉमन से सवाल पूछे जाएंगे कि आप स्टडीज़ इन इंडिया के लिए लोन ले रहे हो या स्टडीज़ इन आउटसाइड के लिए, तो वो यस या नो पे जवाब करके आपको आगे बढ़ना होगा। देन यहाँ पे पेरेंटल इनकम की बात आएगी कि एनुअल इनकम आपकी कितनी, 4.5 लाख तक है या इससे ज़्यादा कम है, ठीक है। इसके बाद आप टेक्निकल कोर्सेज या प्रोफेशनल कोर्सेज में अगर एडमिशन ले रहे हो तो उसके लिए भी आपको चूजिंग करना पड़ेगा। जो मेन केस शुरू होता है वो आता है आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन से, और जैसे आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन के सेक्शन पर टैप करते हो तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जैसे मैंने बताया था कि कैसे कैसे आपको फॉर्म को फिलअप करना है, ये एरिया होता है एप्लीकेंट का, स्टूडेंट का, और ये एरिया होता है उसके पेरेंट्स का यानी को एप्लीकेंट का। तो यहाँ पे जो जो यहाँ पे सेक्शन है जैसे कि फर्स्ट नेम, तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट को भी फर्स्ट नेम डालना है तो उसके फादर को भी फर्स्ट नेम डालना है। इसी तरीके से इसको जो है पूरा सेम एस कंप्लीट करते हुए चलना है, जिसमें डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एप्लीकेंट का मेंटल स्टेटस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसने ज़्यादा से ज़्यादा कितने हाईएस्ट मार्क्स किए हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे बहुत सारे सवाल में ऐसा भी हो सकता है कि फादर की तो कुछ डिटेल्स यहाँ पे है ही नहीं, तो वहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि जो ऑप्शनल है इसका मतलब वैकल्पिक है, उसको भरना जरूरी भी नहीं है, और अगर आपके पास जानकारी तो आप भर भी सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंडेटरी वाला पढ़ लेना और ऑप्शनल वाला भी पढ़ लेना। अब इसके बाद बात करते हैं प्रेजेंट बैंक का डिटेल्स की, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे स्टूडेंट का जिस किसी बैंक में अकाउंट है वो आप सिंपली यहाँ पे डाल सकते हो। लेकिन अगर जैसे हम फेडरल बैंक के केस में बात कर रहे हैं तो उम्मीद करता है कि फेडरल बैंक में अगर दोनों के ही है, जैसे स्टूडेंट के भी यानी एप्लीकेंट के भी और उसके पेरेंट्स के भी है, तो दोनों में ही आपको फेडरल बैंक की डिटेल्स आनी पड़ेगी। इफ़ यू हैव अकाउंट इन फेडरल बैंक में, मतलब फेडरल बैंक में अगर आपका सेविंग्स अकाउंट भी है या फिर पेरेंट्स का भी सेविंग अकाउंट है, आपका भी सेविंग्स अकाउंट है, तो फेडरल बैंक की डिटेल्स आप डाल सकते हो। उसमें ब्रांच, आईएफएससी कोड, बैंकर, बैंक ब्रांच, अकाउंट टाइप, अकाउंट नंबर, डायरेक्टली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लायबिलिटी, वो सारी चीज़ आपको बता के कंप्लीट करनी पड़ेगी। देन इसके बाद आती है कोर्स डिटेल्स की, जहाँ पे आपको नॉर्मली पता है कि मैरिट या मैनेजमेंट कोटा में आपका एडमिशन हो रहा है। इसके अलावा ड्यूरेशन कोर्स बताना है, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, नेम ऑफ द कोर्स, डेट ऑफ कब से शुरू हो रहा है और कब तक खत्म है वो बताने के बाद, कॉस्ट ऑफ फाइनेंस जो मैंने आपको बता रखी है, इस चीज़ को कंप्लीट करने के बाद जो है सेव के बटन पे आपको टैप करना होगा। कॉस्ट ऑफ फाइनेंस डिटेल्स को भरने के बाद, यानी कि जब उसको पूरी तरीके से अच्छे तरीके से भर लोगे एक एक करके किस किस चीज़ में आपका जो है एक्सपेंस जाने वाला है, और सोर्स ऑफ फाइनेंस बताने के बाद आपको जो है लास्ट ऑप्शन मिलता है जो कि है आपका अपलोड डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन, जो कि आप ये देख पाओगे सबसे लास्ट में आपको देखने को मिलेगा। अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर जैसे आओगे तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है जिसके जिसके भी अभी तक आप लोगों ने डिटेल्स फिल किया है, इसके अंदर बेसिक इन्फॉर्मेशन के अंदर पर्सनल इन्फॉर्मेशन
के अंदर, प्रेजेंट वैंगर डिटेल्स के अंदर, कोर्स डिटेल्स के अंदर एंड कॉस्ट ऑफ फाइनेंस के। अब यहाँ पे आपको अपने जो है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा, जैसे कि आपकी मार्कशीट, आपकी प्रूफ ऑफ एडमिशन, आपका प्रूफ ऑफ इनकम, स्केड्यूल ऑफ एक्सपेंसेस, फॉर्म 16, IT रिटर्न्स फाइल, कॉपी ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, ठीक है, अपलोड पैन कार्ड, आधार कार्ड, अंडरटेकिंग, पेरेंट, एप्लीकेंट फोटो, पेरेंट की फोटो को, पेरेंट गारंटर की फोटो को, एप्लीकेंट की फोटो, इन सब चीज़ को टिक मार्क करके फिर सेव के बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद जो है आप लोगों को जो है पहुँचना है अपने एप्लीकेशन स्टेटस पे। इसके बाद जो है आप जब इसको सब कंप्लीट कर दोगे तो एप्लीकेशन स्टेटस में यहाँ पे आपको शो करेगा कि यहाँ पे आपने जो एप्लीकेशन भरी है। हालांकि यहाँ पे जो डेमो बेसिस पे वीडियो, तो एप्लीकेशन मैंने भरी नहीं है, लेकिन आपको शो करेगा कि आपने एप्लीकेशन भरी है। देन लास्ट में आपको जो है सर्च एंड लोन अप्लाई फॉर स्कीम्स पे रिडायरेक्ट करोगे, देन यहाँ पे आपको जो है सिंपल तरीके से सर्च करना पड़ेगा। अच्छा देखो, एप्लीकेशन स्टेटस में अगर आपकी चीज़ें आ जाए तो आप मैनुअली भी यहाँ पे जा सकते हो, मैनुअली आप जो है सर्च एंड अप्लाई फॉर लोन स्कीम से भी क्लिक कर सकते हो। एप्लीकेशन स्टेटस अगर देख लेना भरा होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे भी हमें फेडरल बैंक से लेना है ना, तो हम यहाँ पे फेडरल बैंक डालेंगे, तो यहाँ देख सकते हो कि हमें कौन सा लोन मिल रहा है। हमें दो लोन मिल रहे हैं। अब यहाँ पे है फेडरल स्पेशल विद्या लोन स्कीम, ठीक है, इसके बारे में आप ज़रूर पढ़ सकते हो वहाँ पे, क्योंकि मैं तो डायरेक्टली लोन अप्लाई पे आ गया, मैंने ज़्यादा जानकारी दी नहीं, लेकिन फेडरल बैंक में फेडरल बैंक स्पेशल विद्या लोन स्कीम के अप्लाई के ऑप्शन में आपको नॉर्मली क्लिक करना है। इसके बाद टाइप करने के साथ ही आपके सामने पहले बोला जाएगा कि एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करें, क्योंकि मैंने भरा नहीं है तो यहाँ पे स्टेटस में को शो नहीं कर रहा है। आपके केस में क्या होगा, जब आप इसको चूज़ करोगे तो आपको जो है चूज़ करना है कि आपका जो फेडरल बैंक का ब्रांच है, किस ब्रांच के, कौन से डिस्ट्रिक्ट, कौन से स्टेट में आपका अकाउंट है, वो लोकेशन आपको देनी पड़ेगी। देन आपको सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। तो ये प्रोसेस है जिसके बिहार पे आप इजीली जो है फेडरल बैंक से एजुकेशन लोन अप्लाई कर सकते हो, वो भी ऑनलाइन। बाकी वीडियो कैसी लगी वो आप हमें कमेंट्स मिलकर बताएंगे, तभी हमें पता चलेगा। और यहाँ पे हमारी होती है वीडियो समाप्त। अगर आप लोगों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन के तहत शिशु मुद्रा लोन को अप्लाई करना है, वो भी एकदम डिटेल में वीडियो चाहिए कि आपको एक एक प्रोसेस बताया जाए, तो आई बटन पर वीडियो मिलेगी, जाकर तुरंत वॉच करें। एंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। बाय।